रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इसी बात के साथ झांसी के इस सिटी को हमें जो 1857 का जो अपना चिंगारी था आज़ादी के लिए, वो हमें याद दिलाता है। अभी भी झांसी के अंदर अगर हम लोग घूमेंगे आज के टाइम पे भी हमें वो जो फील है वो फील आता है। यहाँ पे झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढा जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इसके अंदर हम लोगों ने जो उनके हस्बैंड थे, गंगाधर राव की छतरी थी जहाँ पे उनकी समाधि है, हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने रानी महल देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना उसका जो किला है, जो झांसी फोर्ट बोलते हैं, हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पे पार्क बनाई गई है, वो पार्क हम लोगों ने देखा। ये आखिरी जो अपना झांसी के जो अपना पूरा के पूरा जो सेशन का ये आखिरी वीडियो है, इसके अंदर मैं लास्ट में जो है ये जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप इसको देख के मज़ा आएगा। आप इसके अंदर काफ़ी सारे जो रिलेटेड अपना चीज़ें हैं आप इसके अंदर देख सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने के लिए। इसके अंदर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप जस्ट इसके अंदर खाली आप देखे देख के आपको आप मुझे बताएं कि आपको ये जो था म्यूज़ियम है आपको कैसा लगा। इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें, स्कल्पचर्स बनाए हुए, काफ़ी सारे स्टैचूज़ है, उसको आपको देख के आपको उस टाइम का जो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कैसा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग म्यूज़ियम देख लेते हैं। म्यूज़ियम देखने के बाद मैं ये जो है झांसी का समर अप करूँगा और आपको दूसरे शहर लेके चलूँगा। तो अगर आप घूमने के शौकीन हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके मेरे झांसी के सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो विदाउट आगे कुछ कहे मैं वीडियो पर चलता हूँ, शुरू करते हैं।
होप ये म्यूजियम का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो आप इसको लाइक कर दें। मैं आपको वापस से अगले संडे मिलूंगा दूसरे शहर के दूसरे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको कंटिन्यू हर संडे आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है। नया वीडियो आपको हर संडे को दिखेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा संडे को मॉर्निंग को 9 बजे आपको वीडियो रहता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे दिख जाएगा।